नमस्कार, न्यूज प्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। खबर महोबा से, जहां भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मोत्सव के मौके पर आज पृथक बुंदेलखंड राज्य व एम्स की मांग को लेकर बुंदेली समाज के लोगों ने खून से खत लिखकर पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने खत के माध्यम से बुंदेलखंड राज्य की मांग कर साथ ही एम्स जैसी स्वास्थ्य सेवाओं की मांग की। बुंदेली समाज अब तक 35वीं बार खून से खत लिख चुका है। इसी मांग को लेकर आज बुंदेली समाज के संस्थापक और समाज सेवी तारा पाटकर ने अपने दर्जन साथियों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री को खून से खत लिखा है। महोबा जिले के आल्हा चौक पर समाज सेवी तारा पाटकर ने अपने तमाम साथियों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मोत्सव पर खून से खत लिखकर जन्मदिन की बधाई दी। साथ ही अपने व साथियों के साथ खून से खत लिखकर बुंदेलखंड राज्य और एम्स की भी मांग की। समाज सेवी तारा पाटकर ने इससे पहले भी खून से लिखे खतों के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से बुंदेलखंड राज्य की मांग कर चुके हैं। उनके आंदोलन में दर्जनों बुंदेली समाज के सदस्यों ने भी खून से खत लिखकर बुंदेलखंड राज्य की मांग की। केवल दो ही मांग, हम लोगों को बुंदेलखंड चाहिए और महोबा को एम्स चाहिए। मोदी जी से हमारा निवेदन है, आग्रह है, और खून से ये 35वीं बार हजारों खत भेज चुके हैं और हम उनसे केवल यही निवेदन कर रहे हैं। कोई विरोध नहीं है, अनुरोध है कि महोबा को एम्स दीजिए और हमारा बुंदेलखंड बनाइए। जय जय बुंदेलखंड। आज उनके जन्मदिन को हम लोगों ने मनाया है, उनको सत सत नमन करते हैं, क्योंकि वो छोटे राज्यों के पक्षधर थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में सन 2000 में एक साथ 3 राज्य बनाए थे, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो हम बुंदेलखंड उस समय नहीं बन पाया किसी कारण से, तो हम मोदी जी से आग्रह करते हैं कि भाजपा छोटे राज्यों की पक्षधर रही है तो वो छोटे राज्यों को बनाएं, क्योंकि देश में भ्रष्टाचार खत्म करना है या योजनाओं को सही तरीके से अमल में लाना है, इसके लिए छोटे राज्य आवश्यक है। बुंदेलखंड अगर बन जाएगा तभी मुख्य धारा में आ पाएगा। अगर बुंदेलखंड राज्य नहीं बनता है तो यहाँ जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, यहाँ जो विकास योजनाओं का सही लाभ जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है नीचे स्तर पर, वो नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि बीच में खाने वाले बहुत बैठे हुए हैं। छोटा राज्य होगा तो बेहतर प्रबंधन होगा, बेहतर मैनेजमेंट होगा, मुख्यमंत्री हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे। तो हम अटल जी के जन्मदिन पर मोदी जी से आग्रह करते हैं कि वो बुंदेलखंड राज्य को के साथ न्याय करें। बुंदेलखंड की जनता ने उनको जितना प्यार दिया है, जितना सम्मान दिया है, जितना समर्थन दिया है, उतना किसी दल को आज तक नहीं दिया, तो इसलिए बुंदेलखंड की जनता की भावनाओं को समझे। स्वास्थ्य सेवाओं के मसले को ही ले लीजिए, हम लोग 8 साल से संघर्ष कर रहे हैं, नंगे पैर चल रहे हैं, अन्न त्याग रखा है, लाखों राखियाँ भेजी गई, लाखों हम लोगों ने खत भेजे, हजारों खत खून से भेज चुके हैं, पर उसके बावजूद अभी तक स्वास्थ्य सेवाओं में कोई सुधार नहीं हुआ। हमारा जिला अस्पताल आज भी रेफर सेंटर बना हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी से चाहते हैं कि वो हस्तक्षेप करें इन 2 मसलों में और ज़रूर उसमें जल्दी कुछ करें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी मोदी है तो मुमकिन है, हम लोग भी मानते हैं और हमें यह भरोसा है कि आज नहीं कल वो इस बात को ज़रूर सुनेंगे। अटल जी ने एक कविता कही थी, उसकी 2 लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, मैं अपने अभियान पर जो है चलता रहूंगा, जब तक एक नया गीत लिखता रहूंगा। तो हम लोग भी ये संघर्ष करते रहेंगे जब तक मोदी जी नहीं सुनते, तब तक हमारा।